बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने दूसरे ग्रुप का मुशाहिदा करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का, तो वहाँ भी ऐसा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मैग्नीशियम के बारे में बात की जाए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस तरह मैग्नीशियम पर चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन रहेगी 2-8, यानी इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और स्टेबलाइज हो गया। इस तरह अगर आप कैल्शियम का जिक्र करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फिर 2, तो यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो वो 2 ही होंगे और ये आपके पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप से। जैसे एक और ग्रुप भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं जो कि ग्रुप 3 है, जैसे मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम आपको कहाँ मिलेगा, बोरोन के नीचे, यानी इस ग्रुप में, और ये आपके पास तीसरा है जिसे मैंने कहा था कि 3 वैलेंसी बनाना है। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर जो एल्युमिनियम पर चार्ज आएगा वो 3+ होगा। एक और ग्रुप की मिसाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रुप A1 या 1A की मिसाल ली, यहाँ पर 2A की मिसाल ली और यहाँ पर 3A की मिसाल ली, और इसके बाद डायरेक्ट जंप करते हैं ऑक्सीजन वाली फैमिली पर। अगर ऑक्सीजन वाली फैमिली पर जिक्र करते हैं तो ऑक्सीजन के पास पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। और इसी तरह ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, तो जो सल्फर है उसके साथ भी ऐसा है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वसूल करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन जाएगा सल्फर 2 नेगेटिव। तो आपको चंद एक मिसालें डिफरेंट ग्रुप से दी गई। ये जो आपको मिसाल थी ये ग्रुप A6 की थी। एक मिसाल और भी ले लेते हैं और वो लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन से। तो ये आपके पास ग्रुप A7 होगा। क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+8 10 10 एंड 7 17। अब क्या चाहता है, ये चाहता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए जिससे क्लोरीन पर चार्ज 1- आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन एक लेना चाहता है, कोई 2 लेना चाहता है, कोई 1 देना चाहता है, कोई 2 देना चाहता है। मैं मिसाल 1 और 2 से ज़्यादा लूँगा। उसकी वजह ये है कि आपको मैंने जो एग्जाम्पल दी हैं वो इंतहाई राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दी है और इसी तरह से लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दी है। तो लेफ्ट और राइट साइड में आखिर क्या है भाई, देखें खुद नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं और जो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है जैसे ही मैंने यहां कहा ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो फिर क्यों ना इनकी दोस्ती करा दी जाए और यही जो दोस्ती होगी ये कहलाएगी बॉन्डिंग। चूंकि ये आयंस के दरमियान बॉन्ड होगा इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इनकी चंद एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में हम एग्जाम्पल देते हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से लेते हैं। सपोज कीजिए सोडियम, ये आपके पास हो गया सोडियम। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है जिसकी वजह से इस पर एक चार्ज है और अगर हम यही राइट साइड से एक और एलिमेंट ले लें जैसे कि क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और आपस में इनकी हो जाएगी दोस्ती यानी केमिकल बॉन्ड बनेगा। दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड बिकॉज दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन द 2 डिफरेंट आयन्स। हाँ ऐसे भी हो सकता है कि आप और एग्जाम्पल ले लें जैसे कि यहाँ पोटेशियम और क्लोरीन एक ही बात है तो यहाँ KCl बन जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल हम कुछ और लेते हैं जैसे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम पर जो चार्ज है वो है 2। 2 पॉजिटिव कैसे आया, 2 पॉजिटिव चार्ज ऐसे आया कि यहाँ पर आपके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए
लेकिन अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बड़ा आसान होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं और इस तरह इस पर चार्ज 2 नेगेटिव होगा और ये दोनों आपस से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल में एक चीज कॉमन है, यानी कैटायन बनते हुए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, एनायन बनते हुए उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले मामले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का तबादला हुआ, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन एक गया और इसको मिल गया, जबकि यहां पर से दो इलेक्ट्रॉन दिए गए और दो ही लिए गए। तो क्या हमेशा ऐसे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेने और देने वालों के दरमियान बॉन्ड बनता है? नहीं, अलग अलग एटम्स के दरमियान जिनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेनिंग कैपेबिलिटी हो, वो भी बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे दूंगा। मैग्नीशियम को ही ले लीजिए कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसका बॉन्ड हम बनाते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन, आप ये सर क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये कैसे जुड़ सकता है? भाई आप एक क्लोरीन ना सोचें, आप यहां पे सोचें दो क्लोरीन, यानी एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बनाए हैं। तो कितने क्लोराइड आयन हो गए? दो आयन। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दिया है। लेकिन चूंकि हम एक आयनिक कंपाउंड लिख रहे हैं, इसके लिखने का सही तरीका यह है कि आपके पास जितने भी आयन्स हो उनको मिलाकर लिखें, यानी MgCl2। इस तरह एक मैग्नीशियम और दो क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? एक आयनिक बॉन्ड। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये स्पेसिफिक लैटिस के अंदर होते हैं, जिसके बारे में चैप्टर 4 में हम जरूर डिस्कस करेंगे और वहां से कुछ लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी हैं, जहां पर आप सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से आयन आपस में मिलकर रहते हैं। एक दो एग्जांपल और भी लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाते हैं। अब ये देखें, ये डिफरेंट है बिल्कुल। एल्यूमिनियम जो कि 3 इलेक्ट्रॉन देकर 3 पॉजिटिव बना है, अब वो अगर क्लोरीन से मिले तो कैसे मिलेगा? वहां पर 3 क्लोरीन की इस तरह से जरूरत पड़ेगी, यानी एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा और तीसरे क्लोरीन ने तीसरा। इस तरह आपके पास एक नया फार्मूला बन गया AlCl3 और इस तरीके से आपको एक और बॉन्ड बनाना आ गया। अगर हम जिक्र करें सल्फर का, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इन दोनों के दरमियान आपको एक बॉन्ड बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? जरा गौर कीजिएगा। अब आपने ये सोचना है कि देखो भाई, ये तो काम समझ नहीं आ रहा कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया? मामला खराब हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ये 2 ही लेता है, एक और ही लेगा, मामला फंस जाएगा। तो आपने कुछ ऐसे सोचना है कि देखो भाई, एल्यूमिनियम आपके पास 2 है, अब 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। एक एल्यूमिनियम 3, तो 2 एल्यूमिनियम 6। तो सल्फर यहां पर 3 है, एक सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। तो 3 कितने लेंगे? 6। इसका मतलब है मामला ठीक हो गया, 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे और 3 सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इस तरह एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम यूं लिखेंगे Al, कितनी दफा है? 2 दफा। पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, पॉजिटिव आयन को, और सल्फर कितनी दफा है? 3 दफा। तो Al2S3, ये आपके पास एक और आयनिक कंपाउंड बन गया। तो ये आपने गौर किया कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं जो आयन्स के दरमियान है। इस तरह आप बना सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास बगैर 2-3 के होगा। उम्मीद करता हूं कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आया होगा कि आयन्स आखिर किस तरीके से मिलकर नए बॉन्ड्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे, सर ये तो समझ में आ गई बात कि भाई ये लेफ्ट साइड वाले, ये राइट साइड वाले, दरमियान वाले। भाई दरमियान वालों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, वो कैसे? देखें, दरमियान वाले, जैसे कि मैं मिसाल देता हूं कार्बन की, जो बिल्कुल दरमियान में पड़ता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता और ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो फिर क्या करता है? वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद चारों इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या करता है? शेयरिंग करता है, जैसे मैंने आपको यहां पर हाइड्रोजन की सूरत में दिखाया। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम इसे बोलते हैं कि ये आपके पास एक बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को आप एक लाइन की शक्ल में दिखाते हैं, जैसे कि एक लाइन में यहां दिखा रहा हूं
एक लाइन में आपको यहां दिखा रहा हूं, एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर। तो कार्बन ने कुल चार यानी फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब आप कहेंगे सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब कहेंगे सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो भाई तारीफ तो यहीं पर हो गई, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और आयनिक बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर। तो ये आपके पास सिंपल कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड का तस्वीर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बाकी एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर कोट की है यहां भी देख सकते हैं कि बोरोन और हाइड्रोजन के दरमियान में तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक एक कोवेलेंट बॉन्ड टोटल हो गए तीन। यानी ये आपके पास अगर मॉलिक्यूल की शक्ल में लिखा जाए तो आप इसको कुछ यूं लिखेंगे NH3, जिसके पास ये ब्लैक वाले जो थे वो लोन पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं। तो अमोनिया में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, तो ये आपके पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं BH3, यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं लिखना, और ये आपके पास है CH4। तो ये थी जी आपके पास एग्जांपल मीथेन की, और ये एग्जांपल है अमोनिया की, और ये एग्जांपल है BH3 की। अब आप बोलेंगे क्या सर हमेशा दो एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड बन सकता है, तो यहां बात यह नहीं, सिंगल कोवेलेंट भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर जिक्र करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ही अहम है। अब वो कैसे, देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीजन को लास्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, यानी दो इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो अगर दो ऑक्सीजन करीब आ जाएं, देखें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो हम बोलते हैं 1, 2, इस तरह 3, 4, 5, 6। इसके सामने अगर एक और ऑक्सीजन आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर ये रहा, तो इसके पास भी इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों ऑक्सीजन भी करीब आने पर क्या कर सकते हैं, एक एक यानी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरह ये जो चार इलेक्ट्रॉन है, ये दो ऑक्सीजन के दरमियान शेयर हो गए, तो चार ये 5, 6, 7, 8, इस तरह ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द मुकम्मल कर लिए दोनों ऑक्सीजन ने। इस तरह भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखा जा सकता है।